Hi guys, my name is Sana and welcome or welcome back to my channel. So आज in the part 2 of the chemical exfoliation video, we are going to be talking about some product recommendations. In the first part हमने बात की थी chemical exfoliation 101 की, जहाँ पर मैंने आपको बताया था what is chemical exfoliation, कौन से types के होते हैं, आपको कैसे use करना है, some of the precautions. So अगर आपने वो video नहीं देखा है, so I will leave a link in the description box below. I highly suggest कि आपको video check out करें before incorporating any of these products that I'm going to be talking about. Many of these products मैंने use किए हैं, they are tried and tested. So without any further ado, let's get started. So in this video, we are going to be talking about three product categories. The first one is face wash, then toner and then serum. मुझे जनरली ये तीन कैटेगरीज में ही मेरे केमिकल एक्सफोलिएशंस पसंद है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट यही काम करता है. आई थिंक मास्क और क्रीम में भी AHA based या फिर BHA based आता है, but I don't really prefer that. मुझे ये तीन categories अच्छी लगती है, so I'll be talking about those only. So the first category is face wash. अगर आपकी sensitive skin है, अगर if you're just starting off with chemical exfoliation, then definitely आप एक face wash से start कर सकते हैं, because it is not very strong. उनका जो percentage होता है, जो concentration होता है, वो बहुत mild होता है. Now these face washes you can also use in the AM routine, in the morning routine. लेकिन मैं suggest करूँगी कि आप everyday से start ना करें. भले ही इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद केमिकल एक्सफोलिएशन, देन आप उसको एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं. एंड मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट 1 मिनट तक अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन से 1 मिनट तक कॉन्टैक्ट में रहे, क्योंकि अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा. Let's talk about some product recommendations. The first recommendation that I have is the Earth Rhythm का cleansing face wash, exfoliating cleanser. ये बहुत अच्छा है, ये आपकी skin को dry out भी नहीं करेगा. The second recommendation that I have is Dr. Sheth's का ABC cleanser. ये इसमें AHAs भी हैं, BHAs भी हैं और C का भी है. सीका इज़ अ वेरी नाइस सूदिंग इन्ग्रीडियंट, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट एज वेल. द थर्ड रिकमेंडेशन इज़ द डर्मीटेक्चर का लैक्टिक एसिड फेस वॉश. ये भी एक बहुत अच्छा फेस वॉश है, लैक्टिक एसिड विच इज़ एन AHA, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस एज वेल. द फोर्थ रिकमेंडेशन इज़ एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट, ये है कॉजारेक्स का सेलिसिलिक एसिड फेस वॉश. सिंस इट्स एन इंटरनेशनल कोरियन ब्रांड, ये इंडिया में बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है. आई थिंक ये ब्यूटी बान पे अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ पर भी अवेलेबल है, आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई विल ऑल्सो लीव लिंक्स टू सम ऑफ द ट्रस्टेड इंस्टाग्राम सेलर्स जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो यू कैन प्रॉबेबली कंपेयर द प्राइजेज, यू कैन प्रॉबेबली जस्ट चेक आउट विद दैम एज वेल कि अगर वो ये प्रोडक्ट को स्टॉक में रखते हैं या नहीं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम टोनर रिकमेंडेशंस. बिफोर गिविंग यू टोनर रिकमेंडेशंस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप फेस वॉश, टोनर, सीरम तीनों भी केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ वाले एक साथ ना यूज़ करें. अदरवाइज इट मीन्स दैट आप अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हैं. यू कैन जस्ट यूज़ वन प्रोडक्ट दैट हैज़ केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ इन इट, उसके बाद आप एक मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट उसके बाद यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश में आपके केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो टोनर आपको एक मॉइस्चराइजिंग यूज़ करना है. टोनर में है तो एक सीरम या एक क्रीम आप मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे. एक साथ तीनों प्रोडक्ट्स में या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें मेक श्योर दैट आप AHA या BHA सारे प्रोडक्ट्स में ना हो, अदरवाइज इट विल डू मोर हार्म टू योर स्किन दैन गुड. सो कमिंग बैक टू टोनर रिकमेंडेशंस, द फर्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ द पिक्सी ग्लो टॉनिक. ये आई थिंक एक कल्ट फेवरेट है, ये अब नायका पे भी अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये एक AHA बेस्ड टोनर है, आई थिंक इसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दिस इज़ अ वेरी गुड टोनर. लेकिन लाइक आई सेड, यू हैव टू यूज़ इट एवरी ऑल्टरनेट डे या तो फिर 2-3 times इन अ वीक ओनली. The second recommendation that I have is the Earth Rhythm ka Pore Away Tonic and Alpha Glow Tonic. ये भी AHA based हैं, तो आप इनको भी definitely check out कर सकते हैं. The third recommendation that I have is the Dr. Sheth's ka Gulab and Glycolic Toner. Like the name suggests, it has glycolic acid, so you can definitely use this one as well. इसमें एक ये this comes in a spray bottle, so I would suggest कि आप spray bottle directly अपने face पर spray नहीं करें, क्योंकि since it is इट कंटेन्स एसिड, तो हो सकता है कि आपकी स्किन, आपकी आईज
आइज के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, आपके माउथ के लिप्स के कॉन्टैक्ट में आ सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको एक पैड पे ले, कॉटन पैड पे, और फिर अपनी स्किन पे वाइप ऑफ करें, या तो फिर जस्ट स्प्रे इट इन योर हैंड एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस. सिमिलरली द फोर्थ टोनर दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज द प्योर बाय प्रियंका का ग्रीन टी टोनर. इसमें 2% BHA है. सो इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन देन आई वुड हाईली सजेस्ट दिस टोनर टू यू. ये मैंने अपने टॉप 5 टोनर रिकमेंडेशंस फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के वीडियो में भी दिखाया था. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये भी एक स्प्रे फॉर्म में आता है, तो मेक श्योर दैट आप वेन एवर यू आर स्प्रेइंग इट, सो आपकी आईज और आपके माउथ के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए. सो यू कैन जस्ट स्प्रे इट ऑन अ कॉटन पैड, या तो फिर स्प्रे इट ऑन योर हैंड एंड देन डैब इट ऑन योर फेस. Before moving on to serum recommendations, I have one toner recommendation which has PHA in it. In the last video, मैंने आपको बताया था कि PHA एक milder form of AHA होता है, which means if you have sensitive skin, you can definitely check this one out. ये है Feel Raw Botanicals का PHA toner. So अगर आप एक newbie हैं या फिर अगर आपकी sensitive skin है, then definitely you can check this one out. Coming back to some serum recommendations, so serum में you can check out Sugandha. Sugandha has AHA serum as well as BHA serum. दोनों भी type के serums हैं उनके पास. उनका BHA serum भी मैं काफ़ी recommend करती रहती हूँ because it works really really well for me. So you can definitely check out the AHA or the BHA serum from Sugandha. The next one is the Dr. Sheth's ka neem and BHA serum. That is also a really really good product. Isme neem bhi hai aur BHA bhi hai. Ye aap apne acne pe spot treatment karne ke liye bhi use kar sakte hain. Dermitecture also has many serums of glycolic acid, lactic acid. I'm not sure whether unka BHA based serum hai ya nahi. If I find it, I will leave a link in the description box below, so you can definitely check it out. The next brand that I want to recommend is an international brand which is The Ordinary. The Ordinary ki jo products hain jo chemical exfoliation ke liye kafi kafi acche products hain unke paas, glycolic acid, lactic acid with different percentages. So agar if you can get your hands on those products from The Ordinary, then definitely you can check that out as well. Since it's an international brand, wo India mein available nahi hai ab tak. It's not even available on like any of the Indian websites. Cult Beauty aap check kar sakte hain. I will leave a link in the description box below. Lekin Cult Beauty pe thoda sa customs wagaira ka problem hota hai. Agar aapko customs nahi laga to fir well and good, koi problem nahi hai. Ya to fir aap Instagram sellers se bhi check kar sakte hain. I will leave all the links in the description box below. सीरम्स का परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होता है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आप एक न्यूबी है तो आप डायरेक्टली सीरम को अपने चेहरे पर लगा लें. इफ़ यू आर नॉट श्योर, इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर केमिकल एक्सफोलिएशन आपको सूट होगा या नहीं, आपने इससे पहले कभी भी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं किया है, सो वॉट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन टेक सम मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सम मॉइस्चराइजर, एंड उसमें आप 1-2 ड्रॉप्स ऑफ सीरम विच हैज़ केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ वो मिला सकते हैं. उसको मिक्स करके देन यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस सो दैट आपके स्किन को वो एज अ बफर काम करे. डायरेक्टली आपकी स्किन पे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पे वो बफरिंग इफेक्ट होगा. और इफ़ इट इज़ नॉट सूटिंग यू या फिर इफ़ आप न्यूबी हैं तो फिर वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा. So that's all I have in this video. Itne hi product recommendations mere paas hai. So if you know of any other products, if some other products are working well for you that has chemical exfoliating properties, then leave a comment down below. I would love to check them out as well. You can follow me on Instagram. Maine wahan par kafi sare products ke bare mein detailed review bhi diya hua hai. So definitely check me out over there as well. If you like these kind of videos, then please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot to me. And I will see you in the next video. Till then, bye.